आपके घर देवरिया मौजूद हैं और हमारे साथ इस समय प्रेमचंद घर के सामने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे जो प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही हैं और खासतर जमीनी विवाद को लेकर, आप यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं और युवा नेता, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, सबसे पहले तो प्रशासन अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है। अगर प्रशासन अपना काम सही ढंग से किया होता तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिला होता। तो इसलिए मेरा प्रशासन आगे ऐसी कोई ऐसी घटना ना हो, इसलिए प्रशासन थोड़ा सचेत रहे पहले से। ये जो राजस्व विभाग के मामले काफ़ी लंबे समय से निपटाए नहीं जा रहे हैं, उनको जो है फाइल पे फाइल और की जा रही है, और उससे जनता उब जाती, लगता है न्यायिक हमें नहीं मिला, और न्यायिक व्यवस्था बड़ी महंगी होती जा रही है, और जब आदमी उससे उबता है तब ऐसी वारदात ऐसी घटना देने में विवश होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें राजस्व विभाग आप दोष मानते हैं? क्यों नहीं, प्रशासन की विफलता है तभी तो ऐसी बड़ी घटना हुई, अगर विफलता ना होती तो इतनी बड़ी घटना क्यों होती? और प्रदेश स्तर पर इस तरह की तमाम घटनाएँ हो रही हैं और बाबा कहते हैं कि अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, तो क्या आपको लगता है अपराधी प्रदेश छोड़ के कहाँ भागे हैं? सबसे बड़ा अपराधी सरेआम तो घूमते हैं हिंदुस्तान के अंदर, दाऊद इब्राहिम के साथ कोई एक्यूज्ड अपराधी इसी उत्तर प्रदेश में घूम रहा है, और भी तमाम अपराधी उनके साथ खुद सदन में बैठे हैं, तो अपराधी छोड़ के भागे कहाँ हैं? अपराधी अगर भागते तो इस तरह घटनाएं ना होती। नहीं, अपराधी उत्तर प्रदेश में भागने और बढ़ गए हैं, अपराधी और उत्तर प्रदेश में शरण ले लिए हैं। ये अपराधियों क्या क्या हो, सत्ता संरक्षित भी अपराधी हैं? सारे अपराधी तो सत्ता संरक्षित ही हैं, सारे अपराधी जो सत्ता के संरक्षित अपराधी हैं, कोई MLC हो गया, कोई विधायक हो गया, किसी की पत्नी MLC हो गई, किसी का बेटा विधायक हो गया। क्या आपको लगता है अगर इसी तरह से अपराधी सत्ता संरक्षित रहेंगे और विधानसभा लोकसभा में जाते रहेंगे तो भारत की गरीब जनता को न्याय व्यवस्था कभी नहीं मिल पाएगा? हम लोग महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया और मुलायम सिंह यादव के मानने वाले लोग हैं, हम लोग इन सारे अपराधियों से डट कर मुकाबला करेंगे और जुर्म के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अहम सवाल आपसे, ये जो अफवाह उड़ाई जा रही है मीडिया कुछ माध्यम से और कुछ जनता द्वारा बुलडोजर चलने की बात करें, बुलडोजर की न्याय व्यवस्था कहाँ तक आप सहमत हैं? क्या ये अच्छी व्यवस्था है, इससे सलूशन निकल सकता है? नहीं, किसने कहा है आपसे बुलडोजर चलने? तमाम अफवाहें उड़ रही हैं। अफवाह उड़ने दीजिए, तो बुलडोजर की कार्रवाई नहीं, नहीं अफवाह उड़ने दीजिए। हम ये जानना चाहते हैं बुलडोजर कार्रवाई क्या स्थायी समाधान निकाल पाए उत्तर प्रदेश? भैया हमसे क्यों पूछ रहे हैं, जो कह रहा है उससे पूछिए ना, बुलडोजर चलाने का क्या औचित्य है? आप विपक्ष में, मैं कहा तो रहा बुलडोजर चलाने का क्या उचित है? वही पूछ रहे हैं, वो भी तो परिवार है, घर है, उस पे जो कानूनी कार्रवाई हो करो, बुलडोजर चलाना ही कोई विकल्प छोड़े है? कारण बताओ, नोटिस दी हुई है और इन पर कुछ मतलब फाइन भी की हुई है, तो क्या लगता है कि एक पक्षीय कार्रवाई के रूप में हो रही है या फिर उस परिवार को देखते हुए इन पर? शासन के मंशा के रूप तो जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही लग रहा है। वैसा ही लग रहा है। सर, सर।